41 वर्ष से नल लगा हुआ था और जिस जहां पर ये नल लगा था वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी बड़ी संख्या में है। वहां पर बीजेपी के दबंग लोगों ने उस 40 साल से लगे हुए नल को जबरदस्ती हटा दिया है। और ये मामला जो है जिला सहारनपुर कस्बा बेहट जहां से भीम आर्मी का जन्म हुआ, ये वही जिला है और वही कस्बा है। और मैं अपने साथियों से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ये मामला क्या है। जिला सहारनपुर कस्बा बेहट और मोहल्ला मनियारान में 41 वर्ष से नल लगा हुआ था और जहां पर ये नल लगा था वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी बड़ी संख्या में है। वहां पर बीजेपी के दबंग लोगों ने उस 40 साल से लगे हुए नल को जबरदस्ती हटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आज भी मुस्लिम समाज के और दलित समाज के लोगों को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि संविधान में फंडामेंटल राइट्स 2 में हमें ये संविधान में अधिकार दिया है। लेकिन आज बीजेपी सरकार जिस प्रकार से जो तानाशाही रवैया उनका और प्रशासनिक अधिकारी हमारे लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं और जिन लोगों ने उस नल को हटवाया है अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सत्ताधारी लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, लेकिन इन बाहुबली लोगों का इलाज भीम आर्मी करेगी, संवैधानिक रूप से करेगी। मैं आप तमाम साथियों को ये सूचना दे दूं और जिला प्रशासन सहारनपुर को कि मैं यहां पर संविधान को हाथ में लेकर पहुंच गया हूं घटनास्थल पर ही और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैं यहां पर बैठ गया हूं धरने पर ही, और जब तक हमारे मुस्लिम भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहां से उठूंगा नहीं। मैं प्रशासन के लोगों से बस ये संदेश दे रहा हूं कि वो इस मामले को संज्ञान में लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोगों को यहां पर फिर बड़ा आंदोलन की भूमिका निभानी पड़े और यहां फिर सरकार वरकार के लोग भागते हुए दिखाई दें। सबसे पहले तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने 40 वर्ष से लगा हुआ हैंडपंप को हटाया है। और मैं प्रशासन और शासन से यही बता देना चाहता हूं कि जो लोग भ्रम में हो, जो बीजेपी के लोग राजनीति के दम पर जो जातिगत दंगा कराना चाहते हैं, मैं उनको ये संदेश दे रहा हूं कि ये कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की है। ये लड़ाई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, सेकुलर लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, और इस लड़ाई को जीता जाएगा। संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो तमाम साथियों से मैं ये संदेश दे रहा हूं भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से, सभी लोग सतर्क रहें, खासकर जिला सहारनपुर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अलर्ट रहें। आपका भाई संविधान को हाथ में लेकर यहां बैठ गया है और जब तक हमारे मुसलमान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक नहीं उठूंगा, और अगली कार्रवाई जो होगी आपको संदेश दे दिया जाएगा। जय 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 जय
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we